नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो युवाओं को बड़े पैमाने पर दिया जाएगा रोजगार, सपा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह। जनपद सिद्धार्थनगर में सोहना चौराहे पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा सपा नेता देवेंद्र सिंह की अगुवाई में समाजवादी युवा घेरा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की फोटो पर माल्यार्पण कर किया गया। विधानसभा क्षेत्र 305 इटावा के ग्राम सोहना चौराहे पर समाजवादी युवा घेरा चौपाल को संबोधित करते हुए सपा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। छात्रों को बड़े पैमाने पर इंटर पास करने पर माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था। कन्या विद्याधन योजना बड़े पैमाने पर दिया गया था। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस में नौजवानों की भर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। युवा सपा नेता मनीष सिंह ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार, रोजगार के घटते अवसर, बढ़ती बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा की दिक्कतें, नौजवान पर फर्जी आपराधिक मुकदमों के साथ बदहाल कानून व्यवस्था में बहन बेटियों के साथ बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भाजपा सरकार संवेदनशील है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नौजवानों के सम्मान में सड़क से लेकर तहसील एवं सदन तक संघर्ष करके न्याय दिलाने का काम करेगा। इस दौरान अफजल हुसैन मन्नू तिवारी ने भी चौपाल को संबोधित किया। विकास श्रीवास्तव, अविनाश त्रिपाठी, संदीप यादव, मिथुन सिंह, कृपा शंकर चतुर्वेदी, मनीष सिंह, लालमन यादव आदि लोग मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।